गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हमारा टॉपिक है सेल्स फोर्स मैनेजमेंट, जिसमें हम बात करेंगे सेल्स पर्सोनल के मोटिवेशन के बारे में। जैसे कि हम जानते हैं कि सेल्स डिपार्टमेंट में जो भी सेलिंग फोर्स काम करती है, उसका सीधा संबंध हमारी सेल से है, हमारे प्रॉफिट से है। तो ऑब्वियसली ये तो मस्ट है कि हम उनको टाइम टू टाइम मोटिवेट करते रहें, ताकि वो अपने काम को 100% एफिशिएंसी के साथ करें। क्योंकि ये देखा जाता है कि हर किसी भी इंसान में काम करने की जो कैपेबिलिटी होती है, वो कई बार उतनी परसेंटेज का इस्तेमाल नहीं करता है। यानी अगर वो काम कर सकता है, उसकी कैपेबिलिटी है, लेकिन वो अपनी कैपेबिलिटी का सिर्फ 60 or 70% यूज़ करता है। तो हमें ये देखना है कि वो अपनी 100% एफिशिएंसी कैसे देगा। उसके लिए हम कुछ तरीके, कुछ रास्ते अपनाते हैं, जिसमें मोटिवेशन जो है कि एक इम्पॉर्टेंट मेथड है। तो सबसे पहले मोटिवेशन का मतलब समझेंगे। मोटिवेशन मींस कि जब भी किसी भी पर्सन को, अभी यहाँ हम सेलिंग फोर्स की बात नहीं कर रहे, हम एक जनरल बात कर रहे हैं। मोटिवेशन का मतलब काम करने को लेकर, या अगर आप कोई किसी भी फील्ड में आप हैं, तो आपके काम की जो प्रोडक्टिविटी है उसको बढ़ाने के लिए जो भी एक तरीके से एनकरेजमेंट दिया जाता है, एनकरेजमेंट मतलब जो भी आपको इंस्पायर किया जाता है, ताकि आपकी प्रोडक्टिविटी में, आपकी क्वालिटी में, आपके काम करने की एफिशिएंसी में एक इम्प्रूवमेंट आए, तो इट मीन्स कि दैट प्रोसेस इज़ नोन एज मोटिवेशन, राइट। तो अब नाउ वी विल टॉक अबाउट द मोटिवेशन रिगार्डिंग सेलिंग फोर्स, राइट। तो जो हमारी सेल्स फोर्स है, जो कस्टमर के साथ लिंक्ड है, जो हमारे टारगेट्स को पूरा करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रही है, तो ऑब्वियसली दे नीड मोर मोटिवेशन इन कंपैरिजन ऑफ अदर, बिकॉज उनके ऊपर बिजनेस का पूरा दारोमदार टिका है, और उनके जो है एफिशिएंसी में इंक्रीज़ करना और उनको मोटिवेट करना बहुत ज़रूरी है। तो मोटिवेशन मीन्स द इट्स अ विलिंगनेस ऑफ अ पर्सन टू गेट द वर्क मोर एफिशिएंटली इन कंपैरिजन ऑफ पास्ट या अर्लियर टाइम, ठीक है। मोटिवेशन एक हमारी मानसिक स्थिति है, जिसमें हम अंदर से, हम इंटरनली एक फीलिंग है, इंटरनल फीलिंग है, जिसमें हम सोचते हैं कि हम, या हम अपने काम करने की एफिशिएंसी को बढ़ा हुआ महसूस करते हैं, राइट। तो इसमें ऑब्वियसली ये फीलिंग हमें जो फील होती है, वो हमारे को ऑब्वियसली इंटरनल फीलिंग है, लेकिन इसके जो तरीके हैं मोटिवेट करने के, वो डिफरेंट हो सकते हैं, और ये पर्सन टू पर्सन चीज़ें मैटर करती हैं कि कोई पर्सन किस चीज़ से मोटिवेट होता है, दूसरा पर्सन शायद दूसरी चीज़ से, ठीक है। तो हम धीरे धीरे उसके ऊपर आगे जाएंगे। अगर हम मोटिवेशन के बारे में और थोड़ा सा डिटेल में जाएं, तो मोटिवेशन मीन्स इंटरनल फीलिंग, जैसा कि मैं बता चुकी हूँ, ये आपकी प्रोडक्टिविटी को, आपकी एफिशिएंसी को इंक्रीज़ करता है। मोटिवेशन आपको कई तरीके से होते हुए मिलेगा, जैसे फाइनेंशियल मेथड्स हैं मोटिवेट करने के, आपकी सैलरी इंक्रीज़ कर दी, आपको पर्क्स दे दिए, आपके अलाउंसेस बढ़ा दिए, और नॉन फाइनेंशियल मेथड्स भी बहुत हैं, जैसे आपका एप्रिसिएशन दे दिया, आपको पब्लिकली एक अच्छा रिस्पॉन्स दिया, प्रेज कर दी। दोस टेक्निक्स आर नॉन फाइनेंशियल, लेकिन उनका जो रिज़ल्ट है वो सेम ही है, राइट। दोनों ही मोटिवेशन के लिए इस्तेमाल होंगे। और फिर डिफरेंट जो लोग होंगे, मान लीजिए एक पर्सन को सैलरी इंक्रीज़ करके मोटिवेट किया जा सकता है, तो ऑब्वियसली वो उसका मोटिवेटर वो होगा, लेकिन एक पर्सन को सैलरी इंक्रीज़ करने से शायद उतनी खुशी नहीं मिलती है, जितनी उसकी पब्लिक में प्रेज करने से मिलेगी, या उसके जो वर्किंग प्लेस में लोग हैं उनके बीच में उसको अप्रिशिएट करके मिलेगी। तो पर्सन टू पर्सन चीज़ें मैटर करेंगे कि कौन पर्सन किस चीज़ से मोटिवेट होता है। कॉन्टीन्यूस प्रोसेस इसलिए है क्योंकि ऐसा कोई सिंगल स्टेप नहीं है एक्शन की, हमने एक बार ये काम किया और उसके बाद हमें इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमेशा जब भी जो भी काम कर रहे हैं लोग, जो भी वर्किंग क्लास है, उन्हें हमेशा और बार बार मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती रहेगी। तो इसलिए एक कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है। सेटिस्फेक्शन इंक्रीज़ होती है डेफिनेटली। जब भी इंसान मोटिवेट होगा, तो कहीं ना कहीं वो ये मान के चलिए कि वो अपने काम को लेकर, अपने सराउंडिंग्स को लेकर मोर सेटिस्फाइड फील कर रहा है। और मोटिवेशन का संबंध सिर्फ एक पर्सन या एक डिपार्टमेंट से नहीं है। आप कहीं भी काम कर रहे हैं, आप कॉलेज में काम कर रहे हैं, आप स्कूल में पढ़ा रहे हैं, आप किसी बिजनेस प्लेस पर हैं, आप अपना कोई प्रोफेशन कर रहे हैं,
हर लेवल पर। अगर मैं ऑर्गेनाइजेशन की बात करूँ तो इट इज़ नीडेड एट ऑल लेवल्स। ये नहीं है कि हमें सिर्फ एक एग्जीक्यूटरी फेज में ही ये देखना है या हमें सिर्फ टॉप क्लास को सिर्फ लोअर क्लास को ही मोटिवेट करना है। नो, इट इज़ नीडेड एट ऑल लेवल्स। हर इंसान को हमेशा कभी ना कभी, डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से फील करता है, किस स्टेज पर है, उसे मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ सकती है। इट इज़ जस्ट लाइक अ कंसेप्ट विच इज़ कॉन्टीन्यूसली चेंजिंग। चेंज भी होगा, इसमें ये नहीं है कि आप एक फिक्स्ड मेथड अडॉप्ट करेंगे कि यस आपको एक ही तरीके से मोटिवेट किया जाना चाहिए। नो, डिपेंड्स अपॉन योर नेचर, योर सराउंडिंग्स, योर नीड्स, योर रिक्वायरमेंट्स, राइट। एक पर्सन की रिक्वायरमेंट प्रायोरिटीज़ टाइम टू टाइम चेंज हो सकती हैं, तो मे बी उसको मोटिवेट करने के जो तरीके हैं वो भी बदल सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम बात करेंगे इम्पॉर्टेंस ऑफ सेल्स फोर्स मोटिवेशन। अगर हम सेल्स फोर्स की बात करें तो सेल्स फोर्स को मोटिवेशन की ज़रूरत क्यों है, हम क्यों उनके ऊपर इतना फोकस कर रहे हैं। जैसे ऑब्वियसली कोई भी पर्सन हो, चाहे वो सेलिंग फोर्स में काम कर रहा है, चाहे वो डिपार्टमेंटल लेवल पे मैनेजर है, या कोई भी ऑफिस में काम कर रहा है, क्लरिकल पोस्ट पे है, हर इंसान को मोटिवेशन की कभी ना कभी, कहीं ना कहीं, किसी ना किसी लेवल पर ज़रूरत पड़ेगी। क्योंकि एक स्टेबिलिटी सी आ जाती है हमारे काम करने के तरीकों में। तो अगर कोई ना कोई हमें मोटिवेशन नहीं मिलेगा तो हमारा काम का जो क्वालिटी है वो ऑब्वियसली हमें लगता है कि डाउन जा सकती है। तो इसलिए हमें एफिशिएंसी में अगर इम्प्रूव करना है, अब मैं बात सिर्फ सेलिंग फोर्स की करने वाली हूँ क्योंकि हमसे जो पूछा गया वो सेलिंग फोर्स के बारे में पूछा गया। तो सेल्स फोर्स का जो इम्प्रूवमेंट है वो डिपेंड करता है उनको हम मोटिवेट किस प्रकार से कर रहे हैं, तो उनकी क्वालिटी भी इम्प्रूव तभी होगी। रिडक्शन इन सेल्स फोर्स टर्नओवर, अगर हमारी सेलिंग फोर्स को टाइम टू टाइम मोटिवेट किया जाएगा, उनको अपने साथ जोड़े रखने के आप प्रयास करेंगे, तो डेफिनेटली उनका बार बार आना जाना, ये जो एक रेट है जिसे हम कहेंगे सेल्स फोर्स टर्नओवर, जो हमारे पास लोग आते हैं, काम करते हैं एंड छोड़ के चले जाते हैं, वो एक जो टर्नओवर है, एब्सेंटी, जो काम पर अनुपस्थित रहना प्लस पे काम को छोड़कर दूसरी जगह स्विच कर लेना, ये कहीं ना कहीं उनके डिससेटिस्फेक्शन का नतीजा हो सकता है। फिर उसके अलावा आता है गुड ह्यूमन रिलेशनशिप। ऑब्वियसली अगर आप अपने अंडर काम करने वाली वर्किंग क्लास को टाइम टू टाइम मोटिवेट करेंगे तो उनके और आपके रिलेशन भी बेटर रहेंगे इन कंपैरिजन ऑफ अदर थिंग्स। इंक्रीज इन सेल्स फोर्स सेटिस्फैक्शन लेवल, ऑब्वियसली आप मोटिवेट हैं तो इसका मतलब आप सेटिस्फाइड भी हैं, आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के प्रति जो है ईमानदार भी हैं, लॉयल भी हैं। ईजी एक्सेप्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल चेंज, ये देखा जाता है कि जब भी हम ऑर्गेनाइजेशन में कोई चेंज लाते हैं तो सबसे पहले हमारा जो एम्प्लॉइज़ हैं या जो हमारी सेल्स फोर्स की अगर मैं बात करूँ या जो भी काम कर रहे हैं लोग, वो कई बार कुछ चेंजेस को एक्सेप्ट नहीं कर पाते। लेकिन अगर हम उन्हें अपने अकॉर्डिंगली या टाइम टू टाइम अगर हम उन्हें मोटिवेट करते रहेंगे, टाइम की रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए, तो धीरे धीरे उनका जो एक माइंडसेट होगा वो इस तरीके से तैयार हो जाएगा कि अब वो किसी भी नए परिवर्तन को इजीली और खुशी खुशी एक्सेप्ट कर पाएंगे। प्रॉपर यूज़ ऑफ रिसोर्सेज पॉसिबल, ऑब्वियसली एक सेल्स फोर्स आपके लिए रिसोर्सेज ही हैं, मैन पावर है, और मैन पावर ये बड़ी स्ट्रांग पावर मानी जाएगी क्योंकि बाकी जो प्रोडक्शन के फैक्टर्स हैं वो सब नॉन लिविंग है। एक फोर्स, मैन पावर या ह्यूमन फोर्स जो है या ह्यूमन बीइंग जो है जो आपके ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रही है वो ही लिविंग हम उसको मानते हैं। तो ऑब्वियसली उसके लिए ज़रूरी है कि हम उसको इतना एक्टिव बना दें कि वो बाकी के नॉन लिविंग फैक्टर्स को भी उससे भी मैक्सिमम यूटिलाइज उसको कर पाए। गुड इमेज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जहाँ पर आप देखोगे कि काम करने वाले पर्सन जो हैं मोटिवेटेड होते हैं, वहाँ पर अच्छे रिलेशंस मेंटेन होते हैं, गुड इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट, गुड इंडस्ट्रियल रिलेशंस जो हैं वहाँ पर दिखते हैं, तो इसका असर उनकी मार्केट की रेपुटेशन पे भी पड़ेगा। तो दीज आर द मेन फैक्टर्स, दीज आर द मेन पॉइंट्स जो हमें बताते हैं कि किस तरीके से हमें मोटिवेशन की ज़रूरत अपनी सेल्स फोर्स के लिए है।
ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज असेंशियल्स ऑफ एफेक्टिव मोटिवेशनल प्रोग्राम। अगर आप अपने मोटिवेशनल प्रोग्राम को बढ़िया बनाना चाहते हैं, उसको इफेक्टिव बनाना चाहते हैं, तो व्हाट काइंड ऑफ प्रिंसिपल्स यू विल हैव टू कीप इन योर माइंड। सबसे पहले बात करते हैं फीलिंग ऑफ सिक्योरिटी की। हमारा जो काम करने वाला पर्सन है, जो सेल्स फोर्स में जो व्यक्ति काम कर रहा है, सबसे फर्स्ट जो पॉइंट आएगा वो है उसकी जॉब सिक्योरिटी। जब तक आप अपनी जॉब में सिक्योर नहीं मानोगे, आपको ये नहीं लगेगा कि आज मैं काम कर रहा हूँ, हो सकता है कल मेरी नौकरी हो ना हो, इस तरीके की भावना जब तक रहेगी तब तक वो अपने काम के प्रति उतना अटैच नहीं हो पाएगा, अपनी संस्था के साथ उतना जुड़ नहीं पाएगा। तो ये ज़रूरी है कि हम उसको जॉब सिक्योरिटी दें, ये भी मोटिवेशन का एक पॉजिटिव तरीका है। प्रिंसिपल ऑफ प्रमोशन, काम आप अच्छा कर रहे हैं तो आपको प्रमोशन भी मिलना चाहिए। ये नहीं है कि आप जो है लगातार मेहनत कर रहे हैं एंड यू आर नॉट गेटिंग एनी काइंड ऑफ एप्रिसिएशन, एनी काइंड ऑफ प्रमोशन। तो प्रमोशन बहुत ज़रूरी है ये लोगों के लिए। तो ऑब्वियसली जब भी इन लोग प्रमोट किए जाते हैं तो कहीं ना कहीं वो एप्रिसिएशन का पार्ट होते हैं और इससे उनको मोटिवेशन मिलता है। प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, ह्यूमन बिहेवियर तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ह्यूमन बींग से ह्यूमन बिहेवियर नहीं करेंगे तो कहाँ होगा कि उनके अंदर एक डिससेटिस्फेक्शन बढ़ती चली जाएगी, राइट। हमें हमेशा ये सोचना चाहिए कि जो भी लोग काम कर रहे हैं हमारी सेल्स फोर्स के तौर पे, तो वो उनके सुझाव, अगर मान लीजिए वो कोई हमें एडवाइस देना चाह रहे हैं लेकिन हम अगर उनकी बात को कंसिडर नहीं करते तो इट मीन्स कि वो बड़े ह्यूमिलेटेड फील करते हैं, वो अपमानित सा फील करेंगे। दैट इज़ नॉट गुड फॉर आर ऑर्गेनाइजेशन। प्रिंसिपल ऑफ प्रेज, ये भी बहुत ज़रूरी है। सिर्फ पैसा या जो मॉनेटरी जो एप्रिसिएशन है वो ज़रूरी नहीं होता हर आदमी के लिए मोटिवेशन का काम करे। कुछ लोगों को पैसों से ज़्यादा, मनी से ज़्यादा एप्रिसिएशन की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो एक इंसान को आप सैलरी बढ़ाकर अगर आप उसको कुछ लोगों के सामने अपमानित कर देते हैं तो वो आप अगर मान ये बनकर चल रहे थे वो बहुत अच्छा फील करेगा, ऐसा नहीं है, राइट। लेकिन अगर आप पब्लिकली उसको दो शब्द अगर उसकी प्रेज में कह देंगे तो डेफिनेटली उसका जो मॉरल है वो बहुत ज़्यादा अप हो जाएगा। प्रिंसिपल ऑफ लीडरशिप, तो लीडरशिप, लीडर कौन होते हैं, जिसके फॉलोअर्स होते हैं। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कि लीडर आप हैं और फॉलोअर आपकी सेल्स फोर्स है, तो आपकी सेल्स फोर्स आपको कैसे आपको फॉलो करेगी, तभी जब वो आपके अंदर वो सारी बात देखेगी, वो आपको अपना रोल मॉडल मानेगी। और रोल मॉडल बनने के लिए ज़रूरी है कि आप भी वो सारे काम करके दिखाएं, आप भी उन सारी चीज़ों पर खरे उतरें जो एक्सपेक्टेशन उनको आपसे है, राइट। प्रिंसिपल ऑफ पार्टिसिपेशन, पार्टिसिपेशन का मतलब ये है कि मान लीजिए आप कोई भी पॉलिसी ला रहे हैं, कोई भी डिसीज़न लेने जा रहे हैं, इफ़ यू डोंट एक्ट लाइक कि आपको अपनी सेल फोर्स से बात करने की ज़रूरत नहीं है, जो डिसीज़न ले लिया वो उनको मानना ही होगा, दिस काइंड ऑफ फीलिंग इज़ नॉट गुड फॉर आर ऑर्गेनाइजेशन, राइट। तो उनको भी अपने साथ बिठाना, उनकी सलाह लेना, उनके सुझाव मानना, सुनना, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डिसीज़न मेकिंग में पार्टिसिपेशन उनका ज़रूर होना चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ टीम स्पिरिट, टीम में काम करने की एक आदत बहुत इम्पॉर्टेंट है। सब काम जो हैं हमें, बेशक हर इंसान को एक अलग अलग टास्क दिए जाते हैं और सेल्स फोर्स में अगर जो भी व्यक्ति काम कर रहा है, बट उनके मन में एक ये भावना ज़रूर हमें बिठानी होगी कि आप के काम का असर आपके दूसरे लोगों के काम पर भी पड़ने वाला है। इसलिए हमें हमेशा एक टीम की तरह काम करना चाहिए। हमारे बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग, मिसकम्युनिकेशन और हमारे आइडियाज़ में कोई भी डिस्प्यूट्स या एक दूसरे के प्रति एक डिसरिस्पेक्ट वाली फीलिंग नहीं हो। सिंप्लिसिटी, प्रिंसिपल ऑफ सिंप्लिसिटी का मतलब क्या है कि हम कोई भी ऐसे अपने मोटिवेशनल प्रोग्राम चला रहे हैं, कोई तरीके इस्तेमाल कर रहे हैं, तो जिनके लिए कर रहे हैं उनकी समझ में आ रहे हैं या नहीं आ रहे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। प्रिंसिपल ऑफ रिवॉर्ड और पनिशमेंट, ऑब्वियसली आपने मोटिवेशन के सारे तरीके अपनाने हैं, हर तरह का लो पर्सन आपके पास काम कर रहा है। कुछ लोग जो है सैलरी में इंक्रीज से ही वो खुश हो जाते हैं, मोटिवेट हो जाते हैं और अच्छा काम करने लगते हैं। कुछ लोग जो है वो अगर उनको काम ना करने की वजह से कुछ पेनल्टी या पनिशमेंट इस तरीके का कोई सीन हो तो शायद वो उससे मोटिवेट होते हैं। वो तो डिपेंड करता है कि पर्सन टू पर्सन चीज़ें मैटर करती है। अच्छा काम करने के लिए आपको रिवॉर्ड मिलेगा और अगर आप गलत काम करें तो यू विल गेट पनिशमेंट। सो इस तरीके का सीन भी ज़रूरी है और हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हम पनिशमेंट वाला सीन जो है मेथड ना ही अडॉप्ट करें तो बेटर है। नेक्स्ट इज़ प्रिंसिपल ऑफ रेगुलरिटी। रेगुलरिटी का मतलब यहाँ पर क्या है कि हमको
जो भी मोटिवेशन के तरीके अपनाने हैं, लॉन्ग रन में अपनाने हैं, शॉर्ट टर्म प्रोग्राम नहीं होने चाहिए, ठीक है। यानी कि थोड़े समय के लिए, एक्चुअली मोटिवेशन एक कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है, ये तो लाइफ लॉन्ग चलने वाला है। जब तक आपका ऑर्गेनाइजेशन रहेगा तब तक आपके यहाँ काम करने वाले लोग रहेंगे, तो उनको मोटिवेशन की ज़रूरत हमेशा पड़ती रहेगी। तो इसलिए हमेशा हमें लॉन्ग रन में सोचना चाहिए। फ्लेक्सिबिलिटी की बात करते हैं, आप जो भी मोटिवेशनल प्रोग्राम बनाएंगे या चलाएंगे तो उनमें फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए। वो डिपेंड करता है रिक्वायरमेंट क्या है हमारी। जैसे ही एनवायरनमेंट में कुछ चेंजेस आते हैं, कुछ लोग नए आ गए, मान लीजिए अब जो नए लोग आए हैं उनका नेचर, उनकी लॉयल, उनकी जो प्रायोरिटीज़ हैं, उनकी जो नीड्स हैं, वो तुम पुराने लोगों के कंपैरेटिवली अलग हो सकती हैं। तो आपके ऑब्वियसली मोटिवेशन के तरीके डिफरेंट होने चाहिए फिर यहाँ पे ना। तो फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा आप कुछ और भी प्रिंसिपल्स आप देख सकते हो। जैसे आप कोई भी मोटिवेशन का मेथड अडॉप्ट करने जाने वाले हो तो आपको ये देखना पड़ेगा कि वो सूटेबल है या नहीं है। उसमें अगर कुछ ज़्यादा, जैसे आप मान के चलो कि आपको अगर सैलरी में इंक्रीज़ करना चाहते हो ताकि लोग मोटिवेट हो जाए, तो आप ये भी देखो कि सैलरी इंक्रीज़ करने से ऑर्गेनाइजेशन पे कितना बर्डन आने वाला है, क्योंकि फाइनेंशियल बर्डन तो रहेगा ना। फिर ये तरीका कितने लोगों को प्रभावित कर सकता है। हो सकता है बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सैलरी ले ज़्यादा लेकर खुश हैं। ऑब्वियसली ये तो एक नेचुरल बात है कि अच्छी सैलरी लेकर कौन खुश नहीं रहेगा। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सैलरी लेने के बावजूद, अच्छी सैलरी लेने के बावजूद भी, या सैलरी में इंक्रीज़ करने के बावजूद भी उतनी क्वालिटी नहीं दे रहे हैं। तो उनके लिए हमें देखना पड़ेगा कि हम और कौन से तरीके अपनाएं। और हमारे सभी मोटिवेशनल प्रोग्राम हमारे ऑर्गेनाइजेशन के मेन ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखते हुए बनाए जाने चाहिए। तो दीज आर द मेन प्रिंसिपल्स टू बी कंसिडर्ड इन योर माइंड, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इज मेथड्स ऑफ मोटिवेटिंग सेल्स फोर्स एंड टाइप्स ऑफ सेल्स फोर्स, टाइप्स ऑफ मोटिवेशनल टेक्निक्स। मोटिवेशन हम दो तरीके से कर सकते हैं, दो नहीं बल्कि तीन तरीके हैं। एक तो फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल, एक है पर्सनल एंड ग्रुप, और एक है यानी इंडिविजुअल और ग्रुप मोटिवेशनल टेक्निक्स, और एक है हमारा पॉजिटिव एंड नेगेटिव। अगर हम फाइनेंशियल मोटिवेटर्स की बात करते हैं, फाइनेंशियल का मतलब आपकी सैलरी इंक्रीज़ कर दी, आपका बोनस बढ़ा दिया, आपका वर्क जो कमीशन है वो आपको इंक्रीज़ कर दिया, दीज आर फाइनेंशियल मोटिवेटर्स। और नॉन फाइनेंशियल मोटिवर्स में आपको अप्रिसिएशन सर्टिफिकेट दे दिया, आपको डिसीजन लेने में पार्टिसिपेशन दे दिया, आपको सुपरविज़न, आपको जो पहले कर रहे थे वो थोड़ा सा आपका कम कर दिया, अब उन्हें ये लगना चाहिए कि आपके ऊपर कोई और ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं की जा रही है, आपको आपके ऊपर छोड़ा जा रहा है कि यस आप इतने सेल्फ डिसिप्लिन है कि हमें आपके ऊपर सुपरवाइज करने की ज़रूरत नहीं है। तो दीज आर द मेन नॉन फाइनेंशियल मोटिवेटर्स। नेक्स्ट इज इंडिविजुअल एंड ग्रुप मोटिवेटर्स। अब इंडिविजुअल मोटिवेटर कौन होगा, जिसमें हम इंडिविजुअल यानी कि पर्सन टू पर्सन, एक एक पर्सन को चूज़ करके हम मोटिवेशन के टेक्निक्स अपनाएंगे। मान लीजिए एक पर्सन ने बहुत अच्छा काम किया है तो हम सबके बीच में उसकी तारीफ कर दें, दैट इज़ इंडिविजुअल मोटिवेशन। और ग्रुप मोटिवेशन में क्या होगा, ग्रुप मोटिवेटर कौन होते हैं, जिसमें पूरी एक टीम को ही अप्रिशिएट किया जाता है। मान लीजिए हम एक पर्सन की प्रेज नहीं कर रहे बल्कि हमने पूरी टीम के लिए एक मान लीजिए एक पैकेज दे दिया, या एक टूर ऑर्गेनाइज कर दिया, या उनकी कुछ वेकेशन उनको दे दी, दैट इज़ टीम के लिए जो मोटिवेट आपने किया है। पॉजिटिव एंड नेगेटिव मोटिवेटर्स। पॉजिटिव का मतलब होता है जब आप सब कुछ पॉजिटिव वे में करते हैं, जैसे आपने कुछ दे दिया, फॉर एग्जांपल आपने सैलरी बढ़ा दी, आपने बोनस बढ़ा दिया, आपने एप्रिसिएशन का सर्टिफिकेट दे दिया, ये सब पॉजिटिव तरीके हैं जिसमें रिवॉर्ड दिया जाता है। नेगेटिव मोटिवेशन में जब कोई पनिशमेंट, पेनल्टी या डीमोशन, यानी आपने उनको पहले अब वो बड़ी पोस्ट पे थे और आपने उन्होंने अच्छा काम नहीं किया तो आपने उनको छोटी पोस्ट दे दी, दैट इज़ डीमोशन। आप उनके खिलाफ कोई एक्शन ले रहे हैं, कोई डिसिप्लिनरी एक्शन ले रहे हैं, दीज आर नेगेटिव मोटिवेटर्स। सो ये थे हमारे मोटिवेटर्स, जो हमारे तीन टाइप के थे। पहले थे हमारे फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल, सेकेंड वन इज़ ग्रुप एंड इंडिविजुअल, थर्ड वन इज़ पॉजिटिव एंड नेगेटिव मोटिवेटर्स। तो आज के वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक पर बात करेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।